नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कारा माजू सरकारी नौकरी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा HSC क्लर्क कट ऑफ पर। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मनाई जाए। दोस्तों, ये ऑफिशियल तो नहीं है, बट हमारा इतना विश्वास है क्योंकि मैंने खुद ने भी पेपर दिया है और मैं ताऊ के लड़के के साथ भी गया था, यानी कि मैंने 3 ही पेपर अटैम्प्ट किए हैं, 4 बल्कि। उस आधार पे हम आपको कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, ज़रूर देखें एक्सेप्टेड, ये ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। कट ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं पहले जर्नल कैटेगरी में क्या रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 90 नंबर का आपका एग्ज़ाम था, और जो 22 तारीख को एग्ज़ाम, जो 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था, वो एक बहुत ही हार्ड लेवल का एग्ज़ाम हुआ था। 22 को भी हार्ड लेवल का एग्ज़ाम था। जो ये कट ऑफ आपकी जाएगी, ये सिर्फ जाएगी दोस्तों 22 और 23 इवनिंग की वजह से जाएगी आपकी। तो इससे में भी ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट नहीं थे, तो इस बात का बिल्कुल डाउट ना करें आप कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। जर्नल की मैं अगर बात करूँ, अगर अबव 90 से 100 नहीं दोस्तों, 100 में किसी को 5 नंबर मिलते हैं या किसी को नहीं मिलते। अधिकतर बच्चे उन्होंने एग्ज़ाम दिया जो जॉब पर थे, या फिर किसी का मम्मी या पापा गवर्नमेंट जॉब पर है, तो वो 5 नंबर का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको 90 में से बता देता हूँ कि कितनी कट ऑफ जाएगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जिन्होंने जर्नल में 60 से लेके 62, नहीं दोस्तों ये तो ज़्यादा हो गया, 60 से भी आपकी कम जाएगी, क्योंकि जो मोस्टली जो पेपर थे वो 2 ही इवनिंग में आए थे। यानी कि जो आपका जो एग्ज़ाम था, वो सरल एग्ज़ाम था, वो 23 और 22 को इवनिंग में ही था। तो जर्नल की जो मैं मानता हूँ अबव 90 बनाता हूँ दोस्तों, 55 प्लस आप ये 57 मान के चले, 58 मान के चले, यहीं पे होगी अबव 90। 100 से नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, 100 में काफ़ी हो जाएगा, आप ये 57 मान के चले, 55 से लेके 57। अब बात कर लेता हूँ मैं बीसीए की जाएगी दोस्तों 53 से लेकर 55 नंबर के बीच में, 90 में से बोल रहा हूँ। और बीसीबी इसकी जाएगी आपकी 55 से लेके 56 नंबर तक। और अब बात कर लेते हैं हम एससी कैंडिडेट की जो जाएगी, वो जाएगी 53 से लेकर आपकी 54 नंबर के बीच में, इतनी ही कट ऑफ जाएगी। कोई भी बच्चों को वहम है कि इवनिंग का और जो 22 और 23 को एग्ज़ाम हुआ था वो सरल है, दोस्तों सरल होने के साथ ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल 90 का कराओगे, उसमें भी गलतियाँ होती हैं, सभी प्रकार के बच्चे मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं EWS, सबसे बड़ा विवाद EWS, इसकी जो रिजल्ट की जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों, वो जर्नल से 1 या नंबर कम जाएगी। आप ये मान के चलो जर्नल की अगर 55 है, तो ये 55 से लेकर 56 या 57 नंबर तक ही जाएगी, इसकी बराबर अराउंड में ही जाएगी, इससे ऊपर तो जाएगी नहीं। बस दोस्तों, बस यही जानकारी आप लोगों के लिए शेयर लेकर आया था। ये सारा जो हमने बताया, ये घूम घूम कर बच्चों से पूछ कर उनके कमेंट के आधार पे आप लोगों तक ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये ओनली एक्सपेक्टेड है दोस्तों, एक्सपेक्टेड। इसके 2 नंबर आपके प्लस भी हो सकते हैं और 2 नंबर आप माइनस में भी जा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, बट हम इतना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जिन बच्चों की जुबानी है उसके हिसाब से। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उनको भी पता लग सके। शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।